The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, what is thrombolytic therapy? Thrombolysis, thrombolytic therapy, what is We are going to talk about that. Thrombolytic therapy, ka matlab hai, koi dawa, we are going to use such a drug to break up. और डिजॉल्व अल्लड क्लॉट राइट रिमेंबर ब्लड क्लॉट और खून का थपका खून का क्लॉट ब्रेक किया जा सकता है तोड़ा जा सकता है पर एक कैलसीफाइड प्लाक को कुछ नहीं किया जा सकता नाओ उसके बारे में डिफ्रेंसेस को भी हम समझेंगे दाव ज्यादातर केसेस जो स्ट्रोक के होते हैं ज्यादातर केसेस जो हार्ट अटैक के होते हैं ये एक ब्लड क्लॉट के वजह से होते हैं यहां पर ब्लड क्लॉट एक प्लाक के ऊपर आके अटक जाता है राइट सो ऑलवेज रिमेंबर देर इज अ हार्ट की आर्टरी खून की नसें होती हैं और वो खून की नसों में स्लोली स्लोली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके वहां पर एक प्लाक बनाता है और ये प्लाक धीरे 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 सालों में बड़ा होता जाता है और उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है उसको फिक्स करने के लिए ताकि वो वहां से निकल के दूसरी जगह ना जाए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से क्लॉट बनके अगर घूमता फिरता आएगा और इस नैरोड जगह पे फंस जाएगा तो आपको अटैक हो सकता है और कई बार समटाइम्स देर इज वॉट इज कॉल्ड एज प्लाक रप्चर प्लाक जो है उसमें भी कभी कभी ऐसे पिंपल जैसा स्वेलिंग होकर वो फूट जाता है एंड लिटरली वहां पे ब्लीडिंग होती है इन साइड द ब्लड वेसल खून की नस के अंदर ब्लीडिंग होती है और वहां रोकने के लिए क्लॉट बनता है और वो ब्लड कॉट धकड़, धकड़ 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 पूरी नस बंद कर देता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाक रपचर और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे सीधा सीधा हार्ट अटैक या स्ट्रोक मैं बेसिकली खून की नस बंद हो रही सो दिस ब्लड क्लॉट कैन बी डिजॉल्व नॉट द प्लाक याद रखिएगा अंदर जो प्लाक है वो नहीं निकलेगा उसके लिए या तो हमें एंजियोप्लास्टी या फिर हमें ड्रिलिंग या कुछ करना पड़ता है बट द क्लॉट जो एक्यूट स्टेज में बना है या बन के कहीं से आया है दैट कैन बी डिजोल्व बाय वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है ये थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन ये कोई सिंपल ब्लड थिनर नहीं है सिंपल ब्लड थिनर मेडिकेशन जो नोक दुनिया में देते हैं हार्ट अटैक पेशेंट्स को इकोस्प्रिन डिप्लैट राइट एस्प्रिन क्लोपिडोग्रिल राइट टेकाग्रोलॉल इनसे नहीं ज़्यादा ये क्ला प्लाक घुलता है कुछ इमीडिएट कच्चे क्लॉट्स कभी कभी डिस्प्ले डिस्प्लेस हो सकते हैं इससे लेकिन जो थ्रोम्बोलिटिक की बात हो रही है थ्रोम्बोलिसिस का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में दी जाती है स्ट्रोक या हार्ट अटैक वाले केसेस जिनको आ गया जिनको हो गया स्ट्रोक जिनको हो गया हार्ट अटैक उस केसेस में एक टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर नाम की दवा दी जाती है जब एक्चुअली जब ऐसा क्लॉट या प्लाक आता है कहीं क्लॉट आता है कहीं पे ब्लड क्लॉट तो होता क्या है बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं और प्रोथ्रोम्बिन है वो सब एक वो स्टिकी हो जाते हैं वहां पर और वो स्टिकीनेस सब चिपकने लग जाते हैं वहां आके तो वहां प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होते हैं ये वहां पे वो स्टिकीनेस खत्म कर देते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं राइट सो so, टीपीए आता है एसटीके टीके के लिए आता है टीपीए टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर्स स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की दवाई आती है और यूरोइनेस टेनेक्टिप्लेस राइट अल्टीप्लेज ऐसी कई सारी नाम की इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं ये खाने वाली दवाई नहीं होती है ये इंजेक्शन होता है जो जो आपके वेन में डायरेक्ट दिया जाता है और ये डायरेक्ट आपके हार्ट में जाता है पूरी बॉडी में जाता है और ये डायरेक्ट वहां पर क्लॉट घोल देता है ना आइडियली ये दवा आपको जब आपको अटैक हुआ स्ट्रोक हुआ हार्ट अटैक हुआ छाती में दर्द हुआ दिक्कत हुई उसके थर्टी मिनट्स के अंदर अंदर दे देना चाहिए तीस मिनट के अंदर अंदर दे देना बेस्ट होता है और हॉस्पिटल अगर आए तो कम से कम हॉस्पिटल पहुंचने के तीस मिनट के अंदर अंदर तो दे देना ही चाहिए हार्ट अटैक में ब्लड क्लॉट हार्ट के अंदर आ रहा है स्ट्रोक में दिमाग में आ रहा है हार्ट अटैक में थ्रोम्बोलिसिस ये मेजर क्लॉट को तुरंत घोल देता है और आगे जाने वाला जो खून का रास्ता उसे खोल देता है अब ये चीज पक्की नहीं होती है कि पूरा का पूरा क्लॉट घुल ही जाएगा समटाइम्स समटाइम्स प्लाक प्लाक ही बहुत बड़ा होता है है अंदर जो बैठा प्लाक है, वो ही आपकी खून की नस को 70-80 परसेंट बंद करके रखा हुआ है उसके 20 क्लॉट आया तो 20 परसेंट हार्ट की नस खुल जाएगी बाकी सारा ब्लॉक रहेगा तो 20 परसेंट में भी ब्लड आगे जाता है बिल्कुल तो अटैक तो रुक जाएगा लेकिन पूरी बीमारी खत्म नहीं हुई तो उसके बाद भी कई बार एंजियोग्राफी करके छल्ला लगाना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन ब्लॉकेज कितनी बच गई प्लाक के खोलने के बाद बट यहाँ क्लॉट के घुलने के बाद थ्रोम्बोलिसिस उस समय इमीडिएट हार्ट अटैक को हार्ट को डैमेज करने से रोक देता है सो so इसीलिए उस समय के लिए बहुत इट्स यूज टू स्टॉप हार्ट अटैक अदरवाइज एक मेजर डेडली पोटेंशियल डेडली डैमेज आपके हार्ट में हो सकता है सो so ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझनी कि ये क्यों इस्तेमाल होता है इसका मतलब ये नहीं है रिप्लेसमेंट नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उसके बाद छल्ला नहीं लगाना पड़ेगा या उसमें एंजियोग्राफी नहीं करनी बिकॉज एंजियोग्राफी से ही पता चलेगा ब्लॉकेज बतना बचा कितना है ये भी पॉसिबल होता है कई बार कि वहां पर प्लाक बहुत छोटा सा है पांच दस परसेंट है वो प्लाक रपच्चर हुआ था उसकी वजह से क्लॉट आ गया था और वो कब दवाई दी थ्रोम्बोलिसिस और पूरा खुल गया ये भी होता है कि पूरा खुल जाए और आगे फिर स्टंट की जरूरत ना पड़े so, आपके केस में क्या है अंतर्यामी थोड़ी है कि ऐसी बिना चेकअप so, के के बता दें। एंजियोग्राफी बाद पता चलेगा तो थ्रोम्बोलिसिस के तुरंत बाद आ, एंजियोग्राफी नहीं की जा सकती है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए होता है सबसे अच्छा आउटकम तब आता है जब आप हार्ट अटैक के 12 घंटे के पहले पहले आप थ्रम्बोलिसिस कर देते हो द दूनर द बेटर 30 मिनट के अंदर किया तो बहुत अच्छा 12 घंटे के पहले किया तो भी चलेगा लेकिन एक विंडो पीरियड होता है अगर विंडो पीरियड निकल गया तीन से छह घंटे का वैसे तो तीन घंटे का विंडो पीरियड तीन से छह घंटे का विंडो पीरियड निकल गया तो कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा ही हार्ट बट ये वी कैन सेव द डैमेज फ्रॉम फर्दर कोई आगे जाने में सो बेसिकली ब्लड फ्लोर स्टोर हो गया राइट right? और कंप्लीटली नॉर्मल होना जरूरी नहीं है तो एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट की जरूरत पड़ सकती है सो so, ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर के बेसिस पे आपके कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट अगले दिन होगी एंजियोग्राफी या एक महीने बाद होगी लेकिन पोना करनी पड़ेगी और हर एक इंसान इसके लिए एक कैंडिडेट नहीं होता कुछ लोग होते हैं जिनमें थ्रोम्बोलिटिक दवा नहीं दे सकते राइट ये डिपेंड करेगा आपके एज पे तो क्योंकि इसके रिस्क भी है जहां हम बात कर रहे हैं ऐसी पावरफुल दवा है जो क्लॉट घोल सकती है वो शरीर में ब्लीडिंग भी कर सकती है और ब्लीडिंग जानलेवा ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं छह परसेंट केसेज में ब्लीडिंग हो सकती है अप्रोक्सीमेटली सिक्स परसेंट ब्लीडिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं मेजर ब्लीड दिमाग या पेट या ऐसी कोई जगह जो आपके शरीर में पहले से कमजोर है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है जिसका नहीं पता किया जा सकता किसको है कहाँ है कितना रिस्क सो सिक्स परसेंट ब्लीडिंग के चांस होते हैं सो so, जितनी एज बढ़ती जाती है उतना कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ेंगे सो so, एज ज्यादा हो एज आपके जेंडर पे भी थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री पे अगर पहले आपको डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम उन सारे केसेस में आपको अगर पहले स्ट्रोक हो रखा है पहले ब्लीडिंग हो रखा है तब आपको नहीं दी जा सकती है थ्रोम्बोलेटिक थेरेपी वरना आपकी ब्लीडिंग होगी हो तो काउंट्रा इंडिकेशन आ जाता है थ्रोम्बोलिसिस का कॉन्ट्राइंडेशन है पहले से कभी ब्लीडिंग स्ट्रोक या एक्यूट अभी भी ब्लीडिंग चल रही है तो कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग लैटरिन में खून आ रहा है खून की उल्टी आना लिवर की कोई बीमारी होना सीरियस बीमारी जिसमें ब्लीडिंग अल्सर्स हो रहे हैं राइट या आपको कोई रिसेंट सर में चोट लगी है कोई भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम है आप प्रेग्नेंट हो तब भी नहीं दे सकते किसी भी प्रकार की रिसेंट ऑपरेशन हुआ हो ब्लड जो अगर आप ऑलरेडी पहले से कोई बहुत मेजर एंटीकोएगुलेंट ब्लड थिनर अलग एंटीकोएगुलेंट ले रहे हो जैसे वॉरफरीन एस्परिन वॉरफरीन या आ, जो एसीड्रॉम ऐसी दवाएं या अगर अनकंट्रोलेबल आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है तो फिर नहीं दे सकते राइट right. सो so, ये काउंटर को भी ध्यान में देना पड़ता है स्ट्रोक के केस में हमें पहले यह देखना होता है अगर स्ट्रोक हो गया तो पहला काम होता है सिटी स्कैन करा के देखो कि ब्लीडिंग तो नहीं है भाई स्ट्रोक हो रहा है और हम थ्रम्बोलिटिक दे दें ब्लीडिंग क्लॉट घोलने की दवा दे दे ब्लीडिंग हो रही है और और ब्लीड हो जाएगा राइट सो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रोक के केस में सिटी स्कैन होता है हार्ट अटैक के केस में स्ट्रोक वाले कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग वाले कॉम्प्लीकेशन या कॉन्ट्राइंडेशन रूल आउट किए जाते हैं और दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं थ्रोम्बोलिसिस और प्राइमरी पीटीसी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या तो हम तुरंत हॉस्पिटल आने के बाद आधे घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर तुरं तुरंत तुरंत एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करें या फिर थ्रोम्बोलिसिस करें हार्ट अटैक के, के केस में यह जरूरी होता है राइट सो किसी को ब्लीडिंग स्ट्रोक हो चुका है तो उसको स्ट्रोम्बोलिसिस नहीं हो सकता याद रखिए रिस्क है ब्लीडिंग का एंड दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग माइनर ब्लीडिंग गम्स में या पच्चीस परसेंट केसेस में गम्स में ब्लीडिंग आ सकती है और छह परसेंट केसेज में मेजर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है और ब्रेन में ब्लीडिंग अप्रोक्सीमेटली वन परसेंट चांस होता है तो ये याद रखियेगा थ्रोम्बोलिटिक डेंजरस होते हैं इसलिए आपका कंसेंट लेना होता है उस केस में और एक और दूसरे ऑप्शन भी होते हैं देर इज समिंग कॉल इज थ्रोम्बेक्टॉमी उसमें फिर एंजोग्राफी के जैसे जाके थ्रोम्बस को खींच के निकाला जा सकता है वो और या फिर अगर मान लो खात की कोई नस है जिसमें अगर थ्रोम्बस बना है तो उसमें फिर ओपन करके पूरी की पूरी नस में से थ्रोम्बस निकाल के यानी क्लॉट निकाल के फिर नस को बंद कर दो ऐसी ओपन करके भी सर्जरी की जा सकती है सो so, बहुत से तरीके हैं थ्रोम्बस निकालने के लेकिन ब्रेन और हार्ट में स्टंट लगते हैं या फिर तार डाल के थ्रोम्बस निकाला जाता है या क्लॉट घोलने की दवा सो दिस इज अबाउट इट और ऐसी दवाओं को जैसे मैंने कहा आपको टी पी ए टिश्यू प्लाजमोनोजन एक्टिवेटर एल्टीप्लेस रेटिप्लेस टनप्लेस स्टेप्टोकाइनेस ऐसे नाम से आप सुनोगे सुन पाओगे राइट यूरोइनेस स्टेप्टोकाइनेस सो दिस इज ऑल दैट थैंक यू सो मच आई होप यू अंडरस्टूड कोई सवाल जरूर लिखिए शेयर जरूर करिए इस इंफॉर्मेशन को किसी के काम आएगी आपके काम आएगी दुनिया में किसी ना किसी का भला करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आम डॉक्टर परमजीत अ कंसल्ट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहरूगढ़ प्लीज मेक श्योर टू शेयर एंड लाइक